श्रीमंदिर 2019-20 आर्थिक वर्ष में 102 कोटी बजेट रथयात्रा खर्च हो 6 कोटी टंका से परे गजपति पाउणा दुई गुणा वृद्धि करा बजेट रे विभिन्न प्रकल्प उन्नयन काम थिबा बळे आदर्श आचरण विधि जोगु ताहाको स्पष्ट करी नाहंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक 2019-20 आर्थिक वर्ष पई आगत होईछि श्रीमंदिर प्रशासन बजेट चलित वर्ष पई बजेट अटकळ होईछि 100 कोटी रु अधिक टंका फाउंडेशन फंड और कर्पस फंड रे 650 कोटी टंका रहितिबा बळे आगामी वर्ष पई 50 कोटी टंका वृद्धि करा जाय 700 कोटी करिवार लक्ष्य रहिछि श्रीजीव प्रमोद उद्यान थिबा जगन्नाथ वल्लभ ने उद्यान उन्नतीकरण पाई व्यय अटकल हो 56 कोटी टंका सेवायत क्वार्टर शिक्षा निकेतन आदि खूब शीघ्र शेष करने व्ययराद करवकों प्राप्य पाउणा श्रीमंदिर प्रशासन देव तेज कर्मचारी दरमा सरकार भरणा करने चिठी लिखा बैठक में होष्पत्ति बजेट को नहीं सेवायत और परिचालना कमिटी सदस्य खुशी व्यक्त कर प्रति वर्ष सेवक मान प्राप्य पाउणार 10% वृद्धि कराऊ यूजुआली 7.5 रु 10% वृद्धि कराऊ प्रत्येक निजोगर आप देखिए प्रति 5 वर्ष डबल हो जाए पाखापाखि 5-6 वर्ष अलवेज देर इज ए प्रोविजन अफ रिअप्रोप्रिएसन आज जमी कि कहला आज ए कम पैसा अच्छी रखा जाऊ गजपति महाराज कहते गोटे आइटम कम अच्छी बढ़ा जाऊ मुझे कहली आज सेमती किसी ना जदि किसी हेड कम है आम रिअप्रोप्रिएट कर आर हेड रू नहीं आस गोटे एथरक नुआ हेड हो जोटा कि सेवायतों पर कोटी टंका से बजेट रखा जाए सेवायत वेलफेयर फंड हिसाब करथरक प्रथम करोटी टंका रखा जाए सेवायत कल्याण विशेषकर बहुत नुआ प्रोजेक्ट तादेहरे निया नजर पकाइबा बजेट अटकल उपरे आय 102 कोटी टंका गजपति प्राप्य मासिक 1 लक्ष हिसाब से वर्षक 12 लक्ष देवाई राज्य सरकार का अनुमोदन सेवायत कल्याण 5 कोटी सेवायत कल्याण फंड 1 कोटी रथजात्रा 6 कोटी टंकार व्यय अटकल चंदन काठ किणाई 15 कोटी श्रीजगन्नाथ वल्लभ पर 56 कोटी देव नाल्को आदर्श गुरुकुल 3.5 कोटी टंका यात्री व्यवस्था 38 कोटी टंका सेवायत प्राप्य पाउणा 32 कोटी श्रीमंदिर कर्मचारी दरमा 28 कोटी टंका कर्पस फंड डिपोजिट 50 कोटी टंकार वृद्धि कैपिटल फंड डिपोजिट 5 कोटी मोट व्यवराद 78 कोटी सेपटे मालती पाटपुर बस स्टाण निकट में श्रीजीव जमी को यात्री नवास नाल्को को हस्तांतर कर जगन्नाथ वल्लभर या 37 एकर जमीन प्रमोद उद्यान पर नाल्को को जमी हस्तांतर लगे बैठक में होष्पत्ति श्रीमंदिर पार्श्व देवदेवी मंदिर फटो उठाई म्यूजियम रे स्थानित करने को एक संस्था आवेदन करथिबा बेले ताहाको कमिटी अग्राह्य कर देछि नाल्को सहित दुटा एमओयू साइन हो आम पीएसयू रो जोटा गोटे से यात्री निवास करेंगे आम मालतीपाटपुर बस स्टैंड पाखे आउ से संपूर्ण जगन्नाथ वल्लभ मठटा को डेवलप करेंगे इनक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन सेन्टर इंटरप्रिटेशन स्टेट गवर्नमेंट करुच्छे बाकी जो जगह गुड़ा रहा से टोटालटा को नाल्को सीएसआर फंड रु दब डेवलपमेंट करने से पाखापाखी 56 कोटी टंका देवे तार जो एमओयू नाल्को सांगे रहा सेटा अनुमोदन कराला चाहूंगे जो आम फटो उठेबापी परमिशन दि जाऊ वी थॉट इट्स नॉट एप्रोप्रिएट ये श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय गजपति दीप सिंह देवं अध्यक्षतार परिचालना कमिटर बैठक में उपस्थापित हो बजेट चिठा एथिरे दोल पूर्णिमा नीति उपरे मध्य आलोचना होई पुरी कैमेरामैन अमरेन्द्र अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया साधारण निर्वाचन में प्रार्थी घोषणा पाई विभिन्न दलर अंककसा चली एसयूसीआई कटक शाखा पक्षर् घोषणा होती प्रार्थी तालिका कटक लोकसभा और जिलार 4 विधानसभा आसन पर प्रार्थी ना घोषणा करर्ष तमाम साधारण लोक बस्ती बासिंदा राजरास्तार लड़े कर दल निर्वाचन में भल कर आशा रखिंट प्रार्थी साधारण निर्वाचन एसयूसीआई प्रार्थी घोषणा कटक लोकसभा और जिलार 4 विधानसभा आसन पर घोषणा होई ना कटक लोकसभा सीट्रु श्रमिक नेता राजकिशोर मल्लिक प्रार्थी होता बेले बारवाटी कटक विधानसभा सीट्रु निर्वाचन लड़े पावेल प्रियदर्शन से कटक चौदुआरु सस्मिता महांती कटक सदररु परमानंद सेठी और बांकीरु प्रार्थी हेबे अरविंद बेहरा कटक जिले में कटक लोकसभा कटक सदर विधानसभा चौदवार कटक विधानसभा बारवाटी कटक विधानसभा एवं बांकी विधानसभा एसयूसीआई दल तरफ आम प्रार्थी ढड़ा करूँ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୈନନ୍ଦିନର ସମସ୍ୟା, ପେଟ ପାଟଣାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସେହି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି ଲୋକସଭା ଓ 24ଟି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ଦଳ। ଅର୍ଥ ବଳ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସିପିଆଇଏମ୍ ଓ ସିପିଆଇର ମେଣ୍ଟକୁ ଦଳ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ବିଜେପି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦଳମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ, ଜୀବିକା ସହିତ, ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଏମ୍ ଭଳି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପଛରୁ ଛୁରିକାଘାତ କରି, ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛୁରିକାଘାତ କରି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ କରନ୍ତୁ। କଟକ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଭୋଟର ହେଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଦଳ ଅନେକ ସମୟରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ଡିଜି ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ସମେତ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମତଦାନ। ଏଥିସହିତ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆସିକା ଲୋକସଭା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମତଦାନ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ଡିଜି। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନେଇ 150 କମ୍ପାନୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମଗାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 29ଟି କମ୍ପାନୀ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଫେଜ୍ରେ ହେଉଛି। 11 ଅପ୍ରେଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି 7ଟି ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାର 18 ଅପ୍ରେଲରେ ଆଉ 2ଟା ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆସ୍କା ଆଉ କନ୍ଧମାଳରେ ପୋଲିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଡିସନାଲ ପୁଲିସର ମେନ୍ ପାୱାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଏସ୍ପି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଉ ରିଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ଆଡିସନାଲ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏ ଫୋର୍ସ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଠିଯିବା ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମିଡିଆ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, ଏହା ରେଳବାଇରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍କରଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ୟୁନିଟ୍କୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଜେସ୍ ବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ୟୁନିଟ୍ ରେଲୱେର ଇଏ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି ୟା ପଛର ଯେଉଁ କାରଣକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଏ ୟୁନିଟ୍ ଉଠାଇ ନେଲେ ଯେଉଁ 6ଟା ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଥିରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଟେଣ୍ଡର ସବୁକିଛି ପଳାଇବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟି ଜରିଆରେ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନାଫା କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବା, ହଇରାଣ କରିବା, ଆମର ଦାବି ଅଧିକାର, ଆମର ଯୁବକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଏସବୁକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 17-18 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ବର୍ଷା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର,
ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ କୋହଲା ରହିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବି କମ୍ ରହିବ। ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ମେ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱର୍ସ ମେ ଓଡ଼ିଶା କା ମେନ୍ଲି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତେଜ ହାୱା ଗାଷ୍ଟି ୱିଣ୍ଡସ और लाइटनिंग का एक्टिविटी नॉर्थ उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में है और साउथ उड़ीसा में एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। और रेनफॉल भी नॉर्थ उड़ीसा में कुछ कुछ जगह में फ्यू प्लेसेस आपका होने का चांसेस है, साउथ उड़ीसा में आइसोलेटेड प्लेसेस में। लुप्त प्राय हस्तशिल्प को साहित्य रखिबार प्रयास पारंपरिक कलार प्रचार प्रसार सह व्यवसायीकरण रही सुजोग एने राज्य हस्त कुटीर शिल्प निर्देशालय पक्षर आयोजित हो स्वतंत्र प्रदर्शनी। बाउंश सबाई घास आरंभ कर मुगुनी पथर से तैयारी कलाकृति गोटे स्थान में देखा मिली सबुर संभार। हैंडबैग डिजाइनिंग मैट टेबल टूल सबकि प्रस्तुत सबाई घास सबकि देखा मिली आदिवासी पड़िया चली राज्य स्तरीय प्राकृतिक तंतु और लुप्त प्राय हस्तंत्र प्रदर्शनी रे ताछड़ा आकर्षण साजिश कांच तैयारी चूड़ी बॉक्स पेन स्टैंड शोपीस एवं हैंगिंग पीस मुगुनी पथर तैयारी भलिकी भली नित्य व्यवहार्य सामग्री मध्य मेलारे उपलब्ध कंसा बासन ठारु आरंभ करी ग्लास प्लेट चकी सियो पारंपरिक सामग्री रे दिया जायछि आधुनिक लुक। मु सबाई घास सब आइटम घिनिकाई विभिन्न बेट राउंड बेट हूँ पापुच बसी मान लंड्री बैग डस्टबिन कोस्टर बक्स विभिन्न भेराइट जिनस घिनिकी आबे लोक जो टाइप जिन चाहते आम से डिजाइन सब व्यवहार जिनस या मार्केट को आणुचु ये सब जिन पथर बासन नीलगिरी मुगुनी पथर बासन यहाँ बापों मूल गोसा मूल या आगे हाथ या मेसीन बाहर की सब या आउ चलती सब थाली कतुरु बाटी कतुरु ग्लास कप प्लेट जग नुटा। प्रदर्शनी रे अन्य आकर्षण रही पेपर आर्ट पेपर रु प्रस्तुत होई विभिन्न कलाकृति पेन स्टैंड शोपीस वॉल हैंगिंग भली रही अनेक सामग्री सेहिपरि ताल पत्र रे प्रस्तुत होई रंगीन चित्रकला देवादेवीं प्रतिमा सहित ट्राइबल पेंटिंग मध्य रही तालपत्र एसबुर दाम भी सुहाइला भली भल लगुच बहुत भल लगुच बहुत जगार आसी देखी भल लगे विशेषकर बाउंश ये जो आम स्ट्रे जो आर्टा होटा बहुत गोटे नुआ जिनसटे बहुत भल लगुच देखा बहुत परिश्रम कर लोक मैंने करोट छोट जिनस देखुची लोक मैंने जो बिकुंत स्टल लगी केवल मजूरी उठला भाया पैसा रखी बहुत भल हो बर्तमान तो समस्ते खाली इंटरनेट केवल यूट्यूब खाली देखिले गुड़ा आखिरे कौट देखुं ना जानूं यार मूल्य जी बुझी सी तार मूल्य बुझ कारीगर कलाकृति को सीधा सड़क बिक्री कर सुजोग प्रदर्शनी राज्य हस्त और कुटीर शिल्प निर्देशालय पक्ष आयोजित यह प्रदर्शनी मार्च 19 जाए चलो। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन पतित पावन बेहरा सहित शुभलक्ष्मी बल न्यूज 18 ओडिया। आसंता 29 आरंभ हो सुपर कप्र द्वितीय संस्करण एने आरंभ हो योग्यता पर्याय मैच गत काली आरंभ होता योग्यता पर्याय आज शेष हो पुणे सिटी मिनर्भा पंजाब केरल ब्लास्टर्स इंडियन आरोज दिल्ली डायनाम्स गोकुलम केरल चेन्नईन एफसी एफसी आइजल एफसी भली 8 दल योग्यता पर्याय सामिल होती श्रेष्ठ 4 दल प्री क्वार्टर फाइनाल को उन्नीत हो अंपटे आईएसएल ओ आई लीग्र श्रेष्ठ 12 दल सीधासलख प्री क्वार्टर फाइनाल को मनोनीत होती मार्च 29 चूड़ा 16 दल को नहीं आरंभ हो प्री क्वार्टर फाइनाल राउंड। सिलकास हैविंग वेरी गुड टैलेंटेड इंडियन प्लेयर्स एंड वेरी गुड फॉरेन प्लेयर्स आल्सो आई थिंक द इंडियन प्लेयर्स आर एनरिच्ड बाय द फॉरेन प्लेयर्स दैट इज द वेरी गुड थिंग्स फॉर आईएसएल एवं आवर प्लेयर्स आल्सो बिकॉज यू नो वी हैव वेरी गुड टैलेंटेड यंग प्लेयर्स they are also enriched by our foreign players. But certainly CK the other night played particularly well, probably had his best game for us against Colombo. We played him up alongside JJ, which I think is probably his
his best position. I think with CK, that's the biggest finding, where his best role is. When he was in Kerala, he played wide. सप्तदश लोकसभा निर्वाचन पर देश प्रस्तुत आउ समय एवं आमर गणतंत्र उत्सव में आम सामिल होइजबा लोकतंत्र अभूतपूर्व वर्ष को विश्व में प्रदर्शन करवा गौरवान्वित करने आम देश को लोकतंत्र उत्साह को नहीं नेटवर्क 18 प्रस्तुत करुछि बटन दबाओ देश बनाओ यह एक अभियान जहाँ आपण को आपण स्वप्नर देश निर्माण करिवारे प्रेरणा देव देशपाई आपण बेस गुरुत्व आगे आसंतु एवं मतदान करंतु मतदान तालिकारे आपणंक ना अछि कि नाही ताहा जांच करी निश्चित करंतु नहले मतदान कार्यालय जाई निज ना को पंजीकरण करंतु बटन दबा देश बनाओ नेटवर्क 18 रा प्रयास लोकतंत्र हमारे पूर्वज द्वारा दिया गया हमें एक बहुमूल्य उपहार अब समय आ गया है कि हम इसकी गरिमा को और मजबूत बनाए भारत 17वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है तो ये समय हमारा है कि हम लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अटूट बन जाएं, अपने लोकतंत्र की अभूतपूर्व मिसाल का विश्व में प्रदर्शन करें, गौरवान्वित करें अपने देश को। बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली है इस वोट की ताकत, तलवार का पराक्रम भी इसके सामने क्षीण है। नेटवर्क 18 प्रस्तुत करता है लोकतंत्र के इस जोश को, बटन दबाओ देश बनाओ, एक अभियान जो आपको अपने सपनों का देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, देश को आपकी जरूरत है, आगे आए और मतदान करें। सुनिश्चित करें कि मतदान सूची में आपका नाम है या फिर मतदान कार्यालय में जाकर अपना नाम पंजीकृत करवाएं। बटन दबाओ देश बनाओ। नेटवर्क 18 की पहल,